नाम बदलकर नाबालिग आदिवासी युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी फरहान पठान के घर और दुकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। पहले भी प्रशासन ने आरोपी के घर और दुकान के कुछ हिस्सों को तोड़ा था, लेकिन इस कार्रवाई से पीड़ित पक्ष और हिंदू संगठन के लोग संतुष्ट नहीं थे। वो आरोपी के पूरे घर और दुकान को तोड़ने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी के पूरे घर और दुकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। ये पूरा मामला खातेगांव का है, जहां एक आदिवासी युवती ने थाने में अपनी मां के साथ आकर शिकायत दर्ज कराई थी। युवती ने अपनी शिकायत में कहा था कि चमन चौक खातेगांव निवासी फरहान पठान ने अपने आप को गोलू शर्मा बताते हुए उससे दोस्ती की और उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर शादी करने के लिए दबाव बनाया और नहीं मानने पर धमकाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। वहीं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी का मकान और दुकान तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया था। साथ ही प्रशासन को 24 घंटे में कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी के घर और दुकान के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया था। वे उसको लगभग 10 महीने से जानते हैं, परेशान करता था, शारीरिक शोषण 3 से 4 बार किया उसने मेरे साथ। धमकी कट्टा बताता था मुझे कि मेरे पास एक कट्टा है, अगर तू मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मारूंगा। उसी के घर पर, घर है इंडी बाजार चमन चौक चौराहे। उसने अपना नाम बताया था गोलू शर्मा। मुझे गोलू शर्मा का नाम तब पता चला जब उसने मेरे भाई को धमकी दी। उसी दिन मुझे बताया कि मैं गोलू शर्मा नहीं, मैं फरहान पठान नहीं। उसकी पत्नी जो है वो अपने मायके चली जाती थी, तभी वो मुझे उसके घर पर ले जाता। पहले से शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी हैं। हाँ, उसने मुझे शादी का प्रस्ताव रखा था मेरी मम्मी के सामने। धारा में भी केस पंजीबद्ध किया जावे और आरोपी के अतिक्रमण में बने मकान और दुकान को ध्वस्त कर आपराधिक तत्वों में कानून का डर बना रहे, इसी कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। महोदय, भयादी के साथ नाबालिग स्थिति में आरोपी ने शिकार बनाकर उसके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया है, जिसमें उसे काफी कष्ट झेलने पड़े। इसकी पूर्ति हेतु प्रशासन से मांग करते हैं उसकी भरपाई आरोपी से वसूल कर पीड़ित बहन को आर्थिक मदद के रूप में 5 लाख रुपए दिलाए जाए। महोदय, आरोपी शादीशुदा था, धर्म से मुस्लिम था, इसके बाद में भी उसने बहन को बहला फुसला कर, टोन बरगला कर, गोलू शर्मा नाम बताकर प्रेम प्रसंग बनाए, इसलिए यह सब योजनाबद्ध तरीके से लव जिहाद का मामला है, इसलिए आरोपी के खिलाफ लव जिहाद ये भी एक केस। लेकिन हिंदू संगठन और पीड़ित पक्ष प्रशासन के इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रशासन ने आरोपी के घर के सिर्फ अतिक्रमण वाला हिस्सा तोड़ा, वो चाहते हैं कि उसका पूरा घर तोड़ा जाए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मांग रखी थी कि आरोपी का पूरा मकान और दुकान तोड़ी जाए। इस दौरान इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर कुछ देर के लिए चक्का जाम की स्थिति भी बनी। अधिकारियों की समझाइश के बाद सभी वहां से हटे और वाहनों का आवागमन शुरू हो पाया। प्रशासन ने भी उनकी मांगों को मानते हुए आरोपी फरहान के मकान पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के तहत ये कार्रवाई हुई है। ये खातेगांव में नाबालिग बालिका के साथ जो दुष्कर्म किया गया था उसकी प्रॉपर्टी के विरोध में कार्रवाई की गई, जिसमें उसका जो मकान था वो बिना अनुमति का बना था और उसमें पुलिस प्रशासन और नगर पालिका इन्होंने संयुक्त मिलकर कार्रवाई की। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।